वेलकम जी, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पाम एनालिसिस में विंध्याचल ठाकुर पे। और आज आपके इस पाम को हम एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि आपकी परिस्थितियाँ स्थितियाँ क्या करती हैं। तो चलिए शुरू ही कर दें। सबसे पहले जैसा कि हम कलाई को अलग करने वाली रेखाओं को देखेंगे, शुक्र की तरफ से आके ऊपर की तरफ चली गई है, मतलब व्यक्ति के जीवन में पुरुष वाली मानसिकता भरी रहेंगी। ठीक है, मतलब अपना जो इनकी सोच है, इनकी सोच जो अपनी है वो सब पे हावी रहेगी। ठीक है, दूसरे की सोच से प्रभावित नहीं होंगे, अपने आप को हमेशा औरों पर हावी करके रखना चाहेंगे। चलिए सब चाहते हैं। अब नीचे की स्थितियों को देखें, आयु और धन ये दो रेखाएं एक साथ चल रही हैं। ठीक है, यश की रेखा है ही नहीं, मतलब कभी कुछ आपको मिलने वाला है नहीं कि हाँ चलो इनकी वजह से मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, यहाँ पर बीच में बहुत सारे कट्स हैं, ये आपके लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रगल में डाल रही है। ठीक है, चलो ये तो आपके अकॉर्डिंग टू योर मणिबंध की रेखा हो गया। ऊपर की स्थितियों से देखते हैं कि ऊपर की स्थितियाँ क्या कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सवालों पर ही सीधे आने वाले हैं। यहाँ पे ये अगर तिल है, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है। मंगल पे तिल होना निश्चित रूप से आपके लिए मुसीबत का कारण बनती है। मुसीबत का कारण किस स्थिति में? मंगल यानी गर्भों के कैबिनेट का एक बहुत ही बड़े विभाग का अधिकारी, इस विभाग में या बड़े विभाग का मंत्री आप बोलिए, तो इस विभाग में क्या होता है कि आपको मुख्य रूप से आपके वैवाहिक जीवन और आपके कैरियर में जो आप चलते हो, मतलब कैरियर की जो प्रोग्रेस होती है उसमें जो सबसे अहम छोटे छोटे कारण होते हैं, छोटे छोटे पराक्रम होते हैं, छोटे छोटे आपके जो आपकी जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, जो कि आपको बड़ा बनने में मदद करती है, उन चीज़ों पे ग्रहण लगाती है। यानी आपके पैर कम कम दूरी तय करने पे ही एक बार पीछे खींच देती है। जैसे कि आप एक बार 1 किलोमीटर चले जाओ फिर 50 मीटर पीछे खींचे तो कुछ पता चलता है, लेकिन आप 100 मीटर जाते हो 50 मीटर पीछे खींच देती है। ठीक है, तो उस मामलों में और वैवाहिक मामलों में, इन दोनों मामलों में आपके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत करेगा। वैसे मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ कि पूरी हथेली में बहुत कुछ खास ही ग्रह है जो कि उभरे हुए हैं, नहीं तो अन्यथा आपकी जो भी परिस्थिति है, यहाँ की रेखा देख लो, शुक्र की देख लो, बहुत अंदर की तरफ धंसी हुई है ना, मतलब पूरी ऊपर की तरफ उभरी हुई नहीं है। जबकि आम हथेलियों में आपको ग्रह क्षेत्र सब काफ़ी उभरे हुए दिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे गुरु के उभरे हुए थोड़े बहुत दिख रहे हैं। शनि की स्थिति तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसके अलावा आपके सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य की स्थितियाँ भी आरी रेखा ने सीधे उसे ऐसे काटा है। और इसके अलावा बुध की स्थितियाँ ठीक है, लेकिन बुध की स्थितियाँ में यही बात है कि आपको कई दफ़े नौकरी छोड़नी पकड़नी, बिजनेस करना छोड़ना, मतलब कई तरीके के काम ये आपको लाइफ में करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, हृदय रेखा। और ये आपको मैं बता दूं कि जब भी सीमेंस लाइन की टाइप इस टाइप की अगर स्थितियां बनती हैं तो उसमें जातक वैचारिक रूप से अलग प्रकृति का हो जाता है। जातक जीवन में कभी कभी थोड़ा हिंसक हो जाता है। जातक वैसे नॉर्मली बहुत ही अच्छे मूड में रहेगा, बहुत ही सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें उसके सर पे हावी हो जाती है और ऐसी परिस्थितियाँ जानिए जातक थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। जातक के लिए थोड़ी स्थितियाँ विपरीत हो सकती है, इसलिए जातक अपने क्रोध पे निश्चित रूप से काबू रखें, क्योंकि अगर वो काबू ना रखेंगे तो स्थितियाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा विपरीत चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आप अपने अंदर की इंटरनल पावर को नहीं जानते, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वैसा व्यक्ति बहुत ही अलग किस्म का हो जाता है। आपकी परिस्थितियों में यहाँ पे क्या है कि आपकी शनि की रेखा मध्य से इसे काट रही है, मतलब आपके जीवन के जब आप अपने एज के 42 यानी 40 से 42वें वर्ष के मध्य में रहोगे तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा उन्नति के मौके आपको दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने तब तक अपने आप पर काबू करके रखा, चीज़ों को सही तरीके से समझा, किसी से उलझे नहीं आप, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन करना जरूरी है, ठीक है, तो आपके लिए इतने अच्छे मौके आ रहे हैं, खासकर बिजनेस में।
नौकरी आप कभी नहीं कर पाएंगे। नौकरी एज ए इम्प्लॉय काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एज ए इम्प्लॉय अगर आप काम करना चाहते हैं तो लाइफ में सक्सेस के चांसेस 1 to 5% है। बिजनेस आप करेंगे उसमें टाइम देंगे, उसमें आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं है, लोगों को 2 साल 4 साल रुकने पड़ते हैं, आपको 2-3 महीने ही बस, क्योंकि आपके बुध की स्थिति और गुरु की स्थिति बेहतर है। मंगल आपको बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन बहुत छोटी बाधा, क्योंकि वहाँ पर छोटे काम ही होने हैं, ठीक है, तो करेगी, लेकिन आप बिजनेस में ही आप सफल होंगे और वही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और आप जब उसमें बैठ जाएंगे, अड़ जाएंगे उस पर कि नहीं अब तो मैं छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, फिर वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं इसे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे गुरु माउंट की स्थिति, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मान प्रतिष्ठा आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी मिलने जा रहा है, ठीक है। थोड़ी सी आड़ी रेखा है, आपको एक दो रेमेडी निश्चित रूप से लेनी चाहिए। अगर आपने माणिक पहन रखा है या सूर्य से रिलेटेड कुछ भी पहन रखा है तो तत्काल उसे उतार दें, क्योंकि ये आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, इससे आपको फायदा नहीं है। शनि अभी बुरी स्थिति में है, सूर्य अभी बुरी स्थिति में है, ठीक है, ये दोनों बुरी स्थिति में भी चल रहे हैं। इसके अलावा बुध की स्थिति बेहतर है, ये स्थिति बेहतर है। विवाह बहुत ही बेहतर आपका होने जा रहा है, आपकी पसंद से होगा और बहुत ही अच्छी पत्नी आपको मिलेगी, ठीक है। शादी की एज भी आपकी बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 29-30 के अंदर में आपके लिए बहुत ही बेहतर मौके तैयार कर रही है। इस समय तक आप मंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आगे पीछे में, क्योंकि यहाँ पे जब तिल आ जाए तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाती है, वो लास्ट मोमेंट वो क्या करेगा पता नहीं चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर 90% आपके लिए स्थिति यहाँ पे बेहतर है। वैवाहिक जीवन आपका आई होप सही रहना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा है आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा, लेकिन इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, अगर वो आप कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो है इस रेखाओं को ध्यान देना, ये आपके मानसिकता पे बहुत प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अपने आप को आप जितना कंट्रोल में रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, उतना आपके लिए अच्छे मौके तैयार होंगे। वाइफ जो आपकी मिलेगी वो नौकरी करने वाली, पहले से काफ़ी पढ़ी लिखी और आपके क्षेत्र में ही काम करने वाले व्यक्तियों मिलेंगे। आप आईटी से संबंधित, चूंकि आप आईटी प्रोफेशनल हो, इससे संबंधित कोई भी वर्क आप करो उसमें आपके लिए फायदे के बहुत ही बेहतर चांसेस हैं। उसी में आप सेल्स का ही काम आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। मेडिसिन का कर लो, आईटी इक्विपमेंट्स का कर लो, पार्ट्स का कर लो, ठीक है, कुछ का भी ऑनलाइन ले लो, इन सब चीज़ों में आपको फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा कोई अब इधर उधर मिठाई की दुकान खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा मत करना बस। हाँ, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आएगी, और राहु की अभी अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, तो अभी बहुत सारे काम आपके बिगड़ेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आवश्यकता हो तो रेमेडी ले लेना, ठीक है, नहीं तो फिर जैसे जो चल रहा है सो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो यही सब है आपके, अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से थे। हाँ जी, बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है जी, करो, उसमें ही आपको भलाई है, पैसे कभी नहीं रुकते, कितने भी क्यों ना हो सब खत्म जी, वो तो खत्म होंगे ही, चूंकि आपके यहाँ की स्थितियाँ मंगल की वैसी ही है और शनि की वैसी ही है, वो देगा भी और ले भी लेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेमेडी चाहिए, ठीक है। शनि की जो स्थितियाँ हैं उससे बदलने के लिए आपको गुरु को और मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पर शनि और सूर्य दोनों की स्थिति बेकार है, तो इसलिए आपको ये ना नाम दे पहचान दे पाएगा, ना नाम दे पाएगा, ना पैसे वहाँ पे आपको ये दे पाएगा, मतलब उससे आपको फायदा नहीं करवा पाएगा। इसके अलावा जहाँ आप काम करते थे वहाँ भी आपके साथ समस्याएं वगैरह कुछ आ रही है, तो ये सब समस्याओं के को अब आने दे, ठीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान ही मत दे। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि जो आपकी ये जो लाइनें हैं ना, माइंड लाइन और आपकी जो हर्ट लाइन है, उन सब के कारण ऐसा कुछ हो जाता है, तो बहुत चीज़ों को आप इग्नोर करें, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे इग्नोर करें, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी टफ सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सूर्य रेखा भी जो एक ऊपर की तरफ रेखा ऊपर रही है, ठीक है, विष्णु सिंबल की तरफ जा रही है, एक तरीके से बता रही है कि हृदय रेखा यहीं से ऊपर की तरफ चली गई है और मस्तिष्क रेखा यहीं से नीचे की तरफ चली आई है, और ये यहाँ भी दो मुही हो गई है, यहाँ भी दो मुही हो गई है। हृदय रेखा जब मस्तिष्क रेखा के पास भी जाके अगर सर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। भविष्य में जब जातक की शादी हो जाएगी, शादी के बाद
यहाँ पे मंगल की स्थिति जातक के अभी विपरीत चल रही है। उस समय जातक की मैरिज की यानी कि आपके इस मध्य क्षेत्र में यहाँ पे इसका मिलान हो रहा है। जातक के शादी के 44वें से 46वें वर्ष के मध्य से जातक के लिए स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होगी। जातक का समाज में उतना ही मान सम्मान होगा, उतना ही प्रेम होगा, उतना ही बहुत कुछ बढ़ेगा। आपसी मतलब पति पत्नी के बीच संबंध इतने मधुर हो जाएंगे कि पूछिए ही मत। उस समय जातक एक तरीके से इस प्रकृति का हो जाएगा जैसे मतलब अपनी पत्नी की बातों को काफी हद तक वो मानेंगे, उसी के अनुसार वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब काफी ज्यादा वे अटैच हो जाएंगे और काफी ज्यादा बस उनकी ही बात समझेंगे और कुछ समझेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति इनके लिए पैदा हो जाएगी, तो उस समय इनके लिए और भी बेहतर है। ठीक, तो आप फिलहाल जो है ना सो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे आप इग्नोर करें, नहीं तो आपके लिए मुसीबत होगी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आपका शादी के बाद का जीवन पूछो ही मत, उसके बाद तो बस कहना ही नहीं है, आप तो हो ही नहीं उसके बाद। दो चार साल तक हो आप, उसके बाद तो फिर पत्नी की मर्जी से, वाइफ की मर्जी से आपने चल लिया है, तो आपका तो वो सब जो जितने दिन बचे हुए हैं बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं आपको। मुश्किल से 1 से 1.5 साल के अंदर जो है 29 तक आपने 30 के अंदर आपने हो जानी है मैरिज, और उसके बाद सामने वो भी अच्छे कंपनी में काम करने वाली और एम्प्लॉयड पर्सन होंगी, और आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मंगल की स्थिति यहाँ पर थोड़ी बुरी है, लेकिन आप अगर चाहे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है। बस आपको फिजिकली मेंटली आपको बस यही करना है कि खुद पे, खुद की भावनाओं पे थोड़ा सा काबू रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक दो रेमेडी है वो आप ले लें, बस प्रॉब्लम्स अपने आप शट डाउन हो जाएगी। कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर शुरुआती संघर्षों के बाद बहुत ही बेहतर रहने जा रहा है, लेकिन बिजनेस में, जॉब में ना आपको खुशी मिलेगी, ना पैसे मिलेंगे, ना कैरियर बनेगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो हमको मन हो सो मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्या बताऊं, सब लोगों की टेंशन होती है कितने दिन जीऊंगा, कितनी मेरी एज है। ठीक है, आपकी अच्छी एज है, लंबा जाओगे। ठीक है, वाइफ से काफी सपोर्ट मिलना है आपको, ठीक है, शुक्र की स्थिति बेहतर है। भविष्य में कभी मौका मिले ना तो डायमंड जरूर आप पहनना। ठीक है, डायमंड आपके लिए एकदम बहुत ही आपके लिए सुटेबल है, आप निश्चित पहनना डायमंड, आपको उसका फायदा दिखेगा। ठीक है, हेल्थ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, हेल्थ की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लाइफ में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, आपका अपना घर गाड़ी वगैरह भी आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लंबे समय तक आप रहेंगे। गुरु की स्थिति बहुत ही बेहतर है, जीवन में सम्मान काफ़ी मिलेगा, थोड़े से बुरे दिन देखने हैं वे सब निकल जाएंगे, इसके पश्चात आपको काफ़ी सम्मान की प्राप्ति होगी। ठीक है, बहुत ही बेहतर है। अच्छी रेखा बन रही है ना, एस फॉर सक्सेस मिलेगी बॉस, मिलते हैं फिर। इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और कहानी हो तो आप समझ लो, क्योंकि मैंने समझाने के लिए सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। आप अगर इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ पाया हो दोबारा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी बातें हो चुकी हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो या कुछ रह गया हो तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप पे तो हमें कॉन्टेक्ट कर ही रहे हैं, फिर से कर ले, फिर से बात हो जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं फिर।